हे गाइस, वेलकम टू बैक अनदर न्यू ब्लॉग। तो अभी हम आए हैं कारुंजर से, एक जगह पे रुके हैं जहाँ खाना खाने के लिए बहुत ही भूख लगी है गाइस, क्योंकि 14 से 15 किलोमीटर हम पैदल चले हैं, बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि कल रात से हम निकले हैं घर से और ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब कि घूम रहे हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है। बाकी गाइस आगे 2-3 मंदिर है, वो भी आपको घुमाएंगे एंड मिट्टी की गड्डी पर भी चलेंगे। बाकी पीछे वाली वीडियो आपने नहीं देखी है, आई बटन पर लिंक आएगी, वो भी वीडियो आप देख लेना। तो गाइज यहाँ पे बिरयानी रेडी है, ठीक है, खाने के लिए। ये वेज बिरयानी है, बिल्कुल वेज। इसको आप पुलाव, पता नहीं पुलाव, हम तो पुलाव भी बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया बिरयानी है। बाकी हमको ढक्कन में मिली है, क्योंकि यार कोई बर्तन था नहीं इधर, तो ढक्कन में खाते हैं। तो गाइज हमने वहाँ पुलाव खा ली थी, अभी आए हैं रेस्टोरेंट में चाय पीने, चाय पीते यहाँ से फिर चलते आगे। वहाँ से हम यहाँ तक आए हैं 3 घंटे में, 3 घंटे का रास्ता हमने तय किया है और आगे भी बहुत ज़्यादा दूर है, हमारा घर भी दूर है और आगे हम 3-4 जगहें घूमेंगे, वहाँ वो भी थोड़ा बहुत दूर है, ठीक है ना। बालों की हालत क्या हो गई है? बालों की हालत, ऊपर छत पे बैठे हुए थे, गाड़ी की आप हालत देख लो कैसी गाड़ी है। तो बालों की तो वैसी होनी है, बाकी यार बहुत ही इंजॉय किया, ठीक है। हाँ, अभी चाय पीते हैं एंड इसके बाद चलते हैं कहीं और घूमने के लिए, वो भी आपको दिखाते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे। फाइनली हम पहुंच चुके हैं मिट्टी की गड्डी पे, रात के टाइम मिट्टी कैसा लगता है हम आपको दिखाते हैं, आ जाओ। सो गाइस, ये सारा का सारा मतलब के लगभग ऑलमोस्ट मतलब के 90 से 80% जो मतलब घर है ना, सारे के सारे हिंदुओं के हैं इधर, सही है। एंड काफ़ी सारे मंदिर है इधर। तो ये गड्डी है बेसिकली मिट्टी की एंड हम पहाड़ पे खड़े हैं, तो बहुत ही यार अमेजिंग सा नज़ारा है। आप भी देखें, आपको कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। तो गाइज यहाँ पे ऊँट है, ठीक है, कैमल, तो इस पर भी यार चढ़ते हैं, देखते हैं क्या सीन है, कितना इसका होता है और क्या इंजॉय कर पाते हैं, ठीक है। आप देख रहे हो उठ का मतलब कि शेयर कर रहे हैं, बहुत ही मजा आ रहा है। अभी क्या कैसे लग रहा है भाई? ओ भाई लंबी हो गई बहुत। ये देखो भाई साहब, जिंदगी में फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, सीरियसली फर्स्ट टाइम, ठीक है। वैसे मेरे को शौक तो नहीं था, बट आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे चढ़ा हूँ, ठीक है। तो मजा तो वैसे आ रहा है, ठीक है। हाँ, मेरा शौक है मतलब घोड़े की सवारी करना, जो कि मेरे को बहुत ही बढ़िया लगता है, कभी की नहीं, बट कभी मौका मिला ना तो जरूर करेंगे, ठीक है। बाकी देखते हैं यार ये कहाँ उतारता है हमको, अभी तो बढ़िया लेके चल रहा है। ओ दोस्त, नाम क्या है इसका? अरे नाम क्या है, नाम तो रखा होगा ना तुमने? हाँ, अरे ये ना करो यार, नाम रखा करो यार। सो गाइज वी आर बी लाइक डिडिन, चल मेरी घोड़ी, टिक टिक टिक। और गाइज यहाँ पे मिट्टी का नज़ारा मैं आपको ऊँट की शेयर करते हुए दिखा रहा हूँ, जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहा है इधर से, ठीक है। तो अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है? मेरा नारायण कुमार है, मैं उसका ड्राइवर हूँ। अच्छा, तुम ऊँट के ड्राइवर और तुम्हारा नाम है नारायण, तुमने यार इसका नाम क्यों नहीं रखा? नामकरण कब है इसका? नाम है ना इसका कबूतर है। कबूतर है, ऊँट का नाम कबूतर, बढ़िया है यार, बढ़िया है। कहाँ से हो तुम दोस्त, कहाँ से हो तुम? यहाँ से मिट्टी में। कौन हो, खुद कौन है? बीलो। बीलो, अच्छा, एक बारी बोलो जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। सो ऊँट के ऊपर बैठ के बढ़िया सा नज़ारा भर रहा हूँ इधर मिट्टी का, बहुत ही अच्छा सा लग रहा है। अभी आपको बहुत ही बढ़िया लग रहा होगा, ठीक है, देखो। ओहो ओहो भाई, बढ़िया हमने लिया ऊँट की राइड ले ली हमने, जो कि बहुत ही बढ़िया थी, थैंक यू यार। सो गाइज ये सब लोग है जो हमारे साथ चले, हमारे फ्रेंड है, ठीक है, एक बार ही बोल दो जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ तो गाइज अभी हम आ चुके हैं होटल पे, ठीक है ना। जैसे हम गड्डी से निकले तो वहीं से बारिश स्टार्ट हो गई और तकरीबन 1.5 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और बारिश
और अभी भी हमें तकरीबन 2 से 2.5 घंटे सफ़र करके जाना है, इसी कंडीशन में भी जाना है। तो अभी होटल में बैठे खाना खाते हैं, आगे का व्यू बताओ। सो गाइज, अब हम इस टाइम हैं सामाड़ो रोड, ठीक है। सारी रात हमने इनके घर पे स्टे किया, बहुत ज़्यादा मच्छर थे, सही है। अभी हम जा रहे हैं अपने घर उमरकोट। सो गाइज, फाइनली हमारी बस आ चुकी है, इसकी हालत देखो बस की एक बारी। तो फाइनली गाइज, हम बस में बैठ चुके हैं, अब जा रहे हैं उमरकोट की और बहुत ज़्यादा जलील हुए हैं, ठीक है, पूरी के पूरे सफ़र में। तो उमरकोट जाके आपको बता दें क्या क्या हुआ हमारे साथ। ऑलराइट गाइज, यार हम उमरकोट तो पहुंच चुके थे, ठीक है, कल ही पहुंच चुके थे, मगर कल बहुत ही ज़्यादा मतलब जलील हो गए थे, मतलब इतना ज़्यादा थक गए थे, तो आते ही सो गए थे, सही है। फिर मैं गया हेयर कटिंग वगैरह करवाई थोड़ी बहुत, सही है। एंड फिर अभी मैंने सोचा वीडियो बना लूँ, आप लोगों को बता दूँ कि हम कैसे जलील हुए थे। सो गाइज, यहाँ से गए थे यू नो, एक तो गाड़ी ऐसी में गए थे हम कि वहाँ पे तो जलील होना ही था हमें, उस गाड़ी में इसलिए गए, वरना हम जा तो बाइक पे या कार में जा सकते थे। उस बाइक पे जाने का मकसद ये था कि उधर मतलब कि ऑफ रोडिंग थी, है ना, कच्चा रास्ता बहुत था, मिट्टी ज़्यादा बहुत थी, जो हमें बॉर्डर वाले मंदिर पे जाना था ना वहाँ पे, ठीक है, चूड़ियो मंदिर जिसे बोलते हैं, तो वहाँ पे मतलब कि ऑफ रोडिंग है सारी की सारी 70 किलोमीटर, तो उसके लिए मतलब कि उस गाड़ी में गए थे, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा जलील हुए। जलील जाते टाइम नहीं हुए, मतलब कि बहुत ही इंजॉय किया, बहुत ही मज़ा किया, जब जिस टाइम वापस आ रहे थे ना उस टाइम बहुत जलील हुए। जलील इसलिए हुए क्योंकि मतलब कि हम जहाँ से गए थे यानी उमरकोट से गए थे, उन्होंने हमें उमरकोट नहीं छोड़ा, बल्कि आधा या एक घंटा पीछे मतलब कि उधर समारो रोड या ऐसे किसी नाम है समारो रोड, उधर जाके हमको छोड़ा, ठीक है। एंड उसकी वजह से रात हमने वहाँ पे स्टे किया, एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर वगैरह थे, एंड उसकी वजह से भी जलील थी, जलील हुआ। एंड उसके बाद हम जब बस में आए तो वहाँ पे भी यार बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो यही था यार कि जलालत तो बहुत थी इस गाड़ी में। तो ऑलराइट गाइज, यार अगर आपको ये 4 व्लॉग्स पसंद आए हो, ठीक है, एंड अच्छे लगे हो, तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड चैनल को ही शेयर कर लो, सही है, इस बारी वीडियो के नहीं, चैनल को ही आप लोग शेयर करो, सही है, एंड अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, क्योंकि अपने सारे के सारे फैमिली व्लॉग्स है, एंड मैं आपको आगे भी बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स देने वाला हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम। आई हैव चेंज्ड फॉर द बेटर दिस टाइम। I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change.